अब मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द हो जाए, जो हिसाब से उनका बिहेवियर है वो चाहते नहीं है कि हम स्कूल चालू रखें। कोई निधि उधि का पैसा नहीं है, ये पर्सनल मैंने अपने पैसे दे दिए। काम करने वाला आदमी है, वो मेरे सामने लड़ने वाला है तो भी मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैंने ऐसा ही किया। माँ बाप लड़के लोग के लिए हर चीज करते हैं, बैग, स्कूल ड्रेस, कपड़ा, ये वो, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने का रुझान कम है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी के चौहान कॉलोनी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की 70 नंबर स्कूल में। यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है आरिफ खान, इन्होंने 1200 बैग जो स्कूल के बैग होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने का एक कार्यक्रम रखा है। इसके पहले भी आरिफ खान ने यहाँ पे 500 बैग बांटे थे बच्चों को, और बच्चों को नहीं मतलब खाली सिर्फ गर्ल्स को, यहाँ पे सिर्फ लड़कियों को जो है इन्होंने बैग्स बांटे थे। आज भी 1200-1250 बैग जो है यहाँ के स्कूल की बच्चियों को बांटा जाएगा। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए भिवंडी के शांतिनगर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर PI है शंकर इंदुलकर साहब, तो ये आए हैं यहाँ पे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो क्या है सारा मामला देखते हैं, लेकिन मैं इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भिवंडी शहर में हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल जो है ये काफ़ी दिन ब दिन तरक्की करते जा रही है। इसके अंदर जो है एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ती जा रही है, टीचर्स जो है काफ़ी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं एजुकेशन के सतर को ऊपर लाने के लिए। कहीं पे हम देखेंगे तो बच्चों को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, कहीं पे बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में जो कॉरपोरेशन को छोड़कर जो स्कूल से रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग जो है काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि किसी तरह से जो है बच्चों का जो तालीमी मेयार है ये ऊपर आ जाए, एजुकेशन लेवल जो है ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे कॉरपोरेशन को भी चाहिए कि उतना ही सीरियसनेस दिखाए इन सारे कामों में, इन सारी बातों में, और बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे, ताकि वो आगे यहाँ पे अच्छे से पढ़ सके। और प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो स्कूल है उन बच्चों को भी वैसे ही एजुकेशन। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगर ऐसे ही बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कोई प्रोग्राम रहेगा कहीं पर भी रहेगा तो इंचार्ज साहब वहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है इंचार्ज साहब को ये बच्चे लोग को और खासकर बच्चियों के लिए ये मतलब उनको बहुत उनको समझाने की हर तरीके से कोशिश करते हैं। अभी पिछले जुम्मा के दिन जब मैं नमाज पढ़ के निकला तो मैंने देखा सीनियर साहब को वो मस्जिद के बाहर खड़े थे, और जब नमाज खत्म हो गई तो उन्होंने 150 बच्चों को वहाँ जमा किया और उन्होंने अपनी तरफ से बच्चों को वहाँ समझाने की पूरी कोशिश की। तो उनको देख के मुझे लगा कि सीनियर साहब को बच्चों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, और इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा उनको लगाव है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे आए हुए मेरे बोलने में जितने भी मेहमान यहाँ हाजिर हुए हैं आए हैं और जितने पत्रकार हैं, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इंशाअल्लाह अभी तो इलेक्शन टाइम खत्म हो गया, हम लोग नगर सेवक आए नहीं, हम लोगों को कोई निधि वगैरह नहीं मिल रही है, लेकिन अभी जल्दी अगर इलेक्शन हो जाता है और मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो इंशाअल्लाह स्कूल में जो भी काम पेंडिंग, कोई काम पेंडिंग बचेगा नहीं बोलने के लिए। सिर्फ मैं यहाँ पे यहाँ के जो सर लोग हैं उनसे ऐसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ और अभी भी गुजारिश करता हूँ कि वो पढ़ाई में बच्चों के लिए पूरी से पूरी मेहनत करें। स्कूल के लिए मैं मेहनत करूंगा लेकिन पढ़ाई के लिए वो मेहनत करें, ताकि यहाँ के बच्चे आज अपने यहाँ पे महानगर पालिका स्कूल नंबर 70 में इसमें जो बच्चियाँ लड़कियाँ पढ़ रहे उनको स्कूल बैग अपने माजी नगर सेवक आरिफ अंसारी उन्होंने आरिफ खान उन्होंने अपने बच्चों को देने का प्रोग्राम रखा था। उस प्रोग्राम मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया, और हमें मैं हमेशा यहाँ भिवंडी में स्कूल में जाता हूँ बच्चों के उनके पढ़ाई के बारे में पूछताछ करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको एक देश का अच्छा नागरिक वो कैसे बने उसके बारे में मैं उनको मोटिवेट करके, और अच्छी शिक्षा कैसा ले और अपने देश के लिए अच्छा काम कैसा करे उसके बारे में मोटिवेट करके उनको उनके साथ संवाद। हाँ बराबर वैसा होना चाहिए एक्टिविटीज, उनसे फिर बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा, उनका पढ़ाई के ऊपर ध्यान बढ़ेगा,
और अपने खुद के पैर के ऊपर पढ़ के खुद के पैर के ऊपर खड़े रहेंगे। नहीं, ये निधि का मामला नहीं था, इससे पहले ना मैंने 500 बैग बनाया था बांटने के लिए, मैं सोचा था कि 500 बैग बांट दूँ कुछ बच्चे लोग को, लेकिन जब मैंने 500 बैग बांटा तो और स्कूल की जो बच्चियाँ थी और जो उनके हेड मास्टर थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमको भी अब हर लड़कियों की उम्मीद हो गई है कि सबको मिलना चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सबको देने की। फिर उसके बाद एक आध महीना लगा तो अभी मैंने कल 1200-1250 बैग और बनाया, आज वही बांटने का प्रोग्राम था। और ये कोई निधि उधि का पैसा नहीं है, ये पर्सनल मैंने अपने पैसे दे दिए, क्योंकि लड़कियों को माँ बाप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई के लिए। पहली बात तो माँ बाप चाहते ही नहीं है कि लड़कियाँ स्कूल जावे, इसी तरीके से लड़कियाँ स्कूल आती है अपनी मर्जी से। माँ बाप लड़के लोग के लिए हर चीज़ करते हैं, बैग, स्कूल ड्रेस, कपड़ा, ये वो, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने का रुझान कम है। तो इसके लिए अभी हमारी महानगर पालिका भी तुम देखे होंगे, ड्रेस जो देती है सिर्फ लड़कियों को देती है, लड़कों को नहीं देती है। तो इस तरह से जब महानगर पालिका ड्रेस देती है तो मैंने सोचा कि मैं लड़कियों को बैग बांट दूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मतलब जैसे पीआर हॉल हो गया, वहाँ 4-5 लाख रुपया खर्चा करके अपना एडवर्टाइज करके लोगों को सिर्फ सर्टिफिकेट बांट के वाह वाही लूटने का, और बच्चों के हाथ में कुछ लगा नहीं उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो पैसा फालतू खर्चा होता है, जो उससे पहले MLA साहब कर चुके हैं 4-5 लाख रुपया PVR में खर्चा करके कुछ अवार्ड बांट के, बच्चों के हाथ में अंडा आया और इनका प्रचार खूब हो गया। तो मैं वैसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो पैसा मेरा थोड़ा बहुत भी खर्चा हो बच्चों को उसको फ़ायदा मिले, इसके लिए मैंने ये बैग बांटा है। अली भाई, इसके पहले आपने जो 500 बैग बांटा था तो उसके बाद जिन बच्चों को बैग नहीं मिला, कहीं ना कहीं उनको मतलब कमी सी महसूस हो रही है, उसी कमी को आपको बांटना चाहिए। नहीं, उसी कमी को पूरा करने के लिए आज 1200 बैग बांट के हर लड़कियां अभी ये स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं कैंपस में 70 नंबर 85 नंबर 62 नंबर 22 नंबर हाई स्कूल, इसमें जितनी भी लड़कियां, एक भी लड़की अब बैग, सर हर लड़की को बैग मिल जाएगा। अच्छा भाई, ये बैग तो बटा जा रहा है और यूनिफॉर्म बटा जा रहा है, लेकिन क्या तालीम का मैार उस तरह से भी स्टैंडर्ड, जो तालीम जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है? पढ़ाई भी अभी फिलहाल तो पहले से थोड़ा अच्छी हो रही है और स्कूल, और मेरा मामला कैसा है कि महानगर पालिका भी स्कूल में ध्यान नहीं देती है, थोड़ा उनको भी ध्यान देना चाहिए। वो टीचरों के पीछे 50,000 रुपया पगार दे देती है उनको, लेकिन स्कूल में एक कामगार सफाई करने के लिए 5-10 हज़ार रुपया खर्चा नहीं करती है, वॉचमैन नहीं देती है। तो ये नगर पालिका की बहुत लापरवाही है, इसमें करोड़ों रुपया पगार में टीचर लोग के खर्चा कर देने का, 2-5 हज़ार रुपये के लिए स्कूल के हालात को खराब कर देने का। तो ये कैसे सुधरेगा, कैसे? नगर पालिका के ऊपर अभी हम लोग जब बीत के आएंगे तो नगर पालिका के ऊपर हम लोग महासभा में ठहराव लेके कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालेंगे कि हर स्कूल में 2-3 भाई साफ सफाई के लिए, 1-2 वॉचमैन, ये सब रहना चाहिए ताकि कोई चीज़ बने तो वो लंबा चले। अरे भाई, आप अपने वार्ड में 1200 बैग बांट लिए, लेकिन आपके ही वार्ड में एक विजडम एकेडमी स्कूल है जिसमें 6 बच्चों को निकाल दिया गया था, और वहाँ पे जो शिक्षण विभाग के जो अधिकारी है, जिला अधिकारी, वहाँ से एक अप्रोल आता है कि उनको लिया जाए, लेकिन उनको लिए नहीं, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए स्कूल की मान्यता रद्द होगी, नहीं तो बाकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है कि प्रशासन अधिकारी ले जाके उनको बैठावे, और अगर वो नहीं बैठाते हैं तो स्कूल की मान्यता रद्द करने का जो मामला है, प्रोसीजर है, उसको आगे बढ़ावे। अगर वो नहीं लेते तो हम लोग स्कूल की मान्यता रद्द करने की पूरी कोशिश करेंगे, और उनको लेना तो तय है, लेना ही है, अगर नहीं लेंगे तो उनको उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। कल गए थे स्कूल के बच्चे, लेकिन लिया नहीं गया, और नगर पालिका उसकी रिपोर्टिंग करेगी प्रशासन को कि हम लोग लेके गए थे इतने बजे, उन लोगों ने लिया नहीं। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग खुद चाहते हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द हो जाए, जो हिसाब से उनका बिहेवियर है, वो चाहते नहीं है कि हम स्कूल चालू रखें, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं स्कूल की मान्यता रद्द कराने का और वहाँ से हटने का। हरी भाई, आपने 1 करोड़ में स्कूल बनाया, और भी? मैंने 1 करोड़ में नहीं बनाया, मैंने 1 करोड़ फंड लेकर आया, निधि लाया, उससे बनाया। तो ताहिर भाई, आप ये बताइए, आप माजी एक नगर सेवक रह चुके हैं, तो आपको आरिफ भाई के इस काम के लिए क्या कहेंगे? मैं इससे पहले प्रोग्राम हुआ था तो आरिफ भाई ने इसी तरीके का काम किया था, और मैं ये चाहता हूँ कि जो स्कूल, जो तालीम का मामला है, जो इन लोगों के दौर में बढ़ रहा है, ये स्कूल है, ये तामीर है, ये अच्छी होनी चाहिए, गार्डन होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, तालीमी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आरिफ भाई। आप दूसरी पार्टी लोगों के और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मेरी आज से आदत नहीं है, कभी भी कोई, मैंने कहा पूरे विधानसभा में कोई भी कारपोर्टर करे, चाहे सेना का हो कि भाजपा का हो कि राष्ट्रवादी का हो, कांग्रेस को मुझसे उससे लेना देना, काम करने वाला आदमी है वो, मेरे सामने लड़ने वाला है तो भी मैं उसकी तारीफ करूंगा। मैंने ऐसा ही किया कुछ।